नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं विभाग बात। इस समय मेरे साथ में पत्रकार लेखक आशुतोष नाडकर साथ में। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी पत्रकार हैं, लेखक हैं, मैंने बताया। और आज हम चर्चा करेंगे मामा की। मामा जो कई माओं का प्यार दे सके, कम से कम दो माओं से ज़्यादा प्यार करता हो। एक मामा हुए हैं शकुनी। आशुतोष खूब पढ़ते थे, पत्रकारिता करते थे, अब उन्होंने किताब लिख दी है शकुनी पर। ये बड़ी विचित्र सा लगता है कि एक खलनायक पर लिखा जाना, खलनायक पर किताब लिखा जाना। पासों का महारथी शकुनी। आशुतोष, मैंने देखा कि आप हमेशा जो एक पीड़ित वर्ग है, जो अपेक्षित वर्ग है, बहुत अपेक्षाएं करता है, लोगों से कुछ नहीं मिलता, वो एक अपेक्षा का शिकार वर्ग है वो, तो निचले तबके के लिए आपने हमेशा खबरें की और गंधार के राजकुमार पर आपने किताब लिख डाली। अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा कि खलनायक पे किताब, मेरा यह कहना है कि खलनायक हो या नायक, किसी भी कथा का अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण किरदार है तो उसके बारे में आखिर क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए। इतना तो हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, जितना हम महाभारत की कथा को जानते हैं, कि बहुत सी घटनाएं जो हैं शकुनी के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी मेकर भी कह लें तो कौरवों की तरफ से स्ट्रेटेजी मेकर भी शकुनी था, तो इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों नहीं लिखा जाना। मुझे लगता है कि अगर शकुनी नहीं होते तो महाभारत भी नहीं होता। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण किरदार तो है ही, लेकिन अगर हम महाभारत को देखें, अगर हम भीष्म शांतनु से इसकी शुरुआत को माने, तो इस पूरी कथा में कई सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो महाभारत के अल्टीमेटली जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं। चाहे वो भीष्म की शपथ हो, चाहे वो कुंती द्वारा कर्ण का त्याग हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पूरी पॉलिटिक रही है महाभारत की, तो उसमें कई सारी घटनाएं हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा ना हुआ होता तो महाभारत का युद्ध ना हुआ होता। तो कई सारी मेरे नज़र में ऐसी घटनाएं हैं। आशुतोष, कई लोगों ने शकुनी को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि जो आधुनिक समाज है, अभी का वर्तमान है, कोरोना काल, इसमें लोगों ने फिर महाभारत को देखा तो डॉक्टर राही मासूम रजा के नज़रिए से देखा महाभारत में। उन्होंने खास करके शकुनी पे उन्होंने बहुत मेहनत की थी। नरेंद्र कोहली जी के नज़रिए से, अगर मैं कहूँ हिंदी साहित्य ने दृष्टिपात किया, तो नरेंद्र जी ने भी एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश की तमाम सारे पात्रों को। और अब आशुतोष नाटकर के नज़रिए से हम शकुनी को समझेंगे। एक मित्र की चर्चा यहाँ करना और ज़रूरी है, तो आपके मेरे दोनों के हमारे प्रिय मित्र हैं शैलेंद्र तिवारी जी। उन्होंने भी एक पात्र चुना। शैलेंद्र तिवारी ने रावण को देखा और उनको लगा कि वो महापंडित है, महाप्रतापी है, और उसके साथ भी कई बार अन्याय हुआ है। तो आपको लगता है कि इस पात्र के साथ भी अन्याय हुआ? देखिए, न्याय अन्याय से ऊपर की बात है। मुझे लगता है कि महाभारत की जो कथा है इसमें हर किरदार जो है ग्रे शेड लिए हुए है। किसी भी किरदार को हम पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते। तो आपकी जो बात है पार्शली मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उसके साथ भी गलत तो हुआ है, लेकिन डेफिनेटली रिवेंज का जो तरीका उसने अपनाया उसको कहीं मैंने अपनी किताब में जस्टिफाई नहीं किया है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि इन सारी घटनाओं को एक दूसरे नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है, उसके साथ में जो हुआ है उसको भी समझने की ज़रूरत है। कोई शकुनी के लिए इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये क्रॉस नैरेटिव है, और मुझे हमेशा लगता था कि इस चीज़ को भी तो जानना चाहिए। और जहाँ तक नेगेटिव किरदारों की बात करें अनुराग जी, तो हमारे यहाँ तो हसीना पारकर पे भी फिल्में बनाई जाती हैं और उनको महान बता दिया जाता है। हाँ, और सारी चीज़ें चल ही रहे हैं। ठाकरे की फिल्म बनी, तो NTR की फिल्म साउथ में बनी, तो जो भी लोकल हीरोज़ हैं, या ये केवल देखने की आप किस पाले में खड़े हैं वहाँ से देखने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ चीज़ को। मामा शब्द की मैंने बात की थी। हमारी संस्कृति में मामा बड़ा अद्भुत, विलक्षण, सत्य, विचित्र, तमाम खूबियों को लिए मामा शब्द है, और शकुनी भी एक मामा है। सामान्य तौर पे जब हम बहुत छोटे होते हैं आशुतोष, तो चंदा मामा से ही जीवन की शुरुआत होती है। पहला मामा मुझे लगता है सगा मामे से भी पहले हमको चंदा मामा समझ में आता है, उसके बाद बाकी मामा आते हैं। तो जो कहते हैं ना कि माँ माँ दो माँओं का प्यार कम से कम जिसके पास हो, तो वो प्यार तो था,
जी हाँ, वो प्यार तो था। और अगर हम मामाओं की बात करें तो अभी वर्तमान परिदृश्य में बात नहीं कर रहे हैं तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। शिवराज सिंह पे ना पहुंच जाए, शिवराज सिंह भी एक मामा है मध्य प्रदेश में बैठ के अगर बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मामाओं की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नाम आता है कंस का, शकुनी का, इस तरह से निगेटिव किरदारों की बात आती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो श्रीकृष्ण मामा, अभिमन्यु के मामा थे जो, तो श्रीकृष्ण को हम देखें तो वो एक सबसे सकारात्मक मामा के रूप में मुझे नजर आते हैं, जो इस पूरी कथा के जिन्होंने बहुत सहा, महानायक भी हैं। लेकिन जो अंतर है, जो शकुनी और श्रीकृष्ण में अंतर है, दोनों ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, दोनों ने ही अपने अपने जो प्रिय लोग हैं उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन श्रीकृष्ण ने जहाँ जन कल्याण के लिए सारी चीजें की, उनका स्वयं का हित नहीं था, शकुनी ने अपने अपमान के लिए किया। मोटिव दोनों का अलग है, लेकिन जो काम किया इन्होंने कौरवों के लिए किया, उन्होंने पांडवों के लिए किया। तो श्री कृष्ण ने हमेशा जनकल्याण को महत्व दिया, इसलिए वो पॉजिटिव मामा के रूप में। हम इस किताब पे भी अभी बात करेंगे। मैं एक चीज और जानना चाहता था, जो टेलीविजन पे महाभारत आया या फिल्मों में महाभारत आता है, अलग अलग तरीके से महाभारत कई बार रजत पटल पे देखता है, कथा वैसी है, मूल कथा वैसी है, तो अगर कोई अपने व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो निश्चित रूप से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब इस पात्र को जिया होगा हाँ तो आपको लगा होगा कि वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा। हाँ, जब आप उस पात्र की तरफ से देखेंगे तो कई सारी उसकी चीजें जो आप दूसरी तरफ से देखते हैं तो जो आपको नकारात्मक लगती है वही चीजें जो है आपको उतनी नकारात्मक नहीं लगती। मैंने कहा सबसे बड़ी खूबी क्या लगी शकुनी की? सबसे बड़ी खूबी मतलब खूब रिसर्च किया आपने, खूब पढ़ा समझा उसको जिया, तब आप शकुनी और उसके पासों तक पहुंच पाए। शकुनी के दिमाग को पढ़ पाना मुझे लगता है उस काल में भी बहुत आसान नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी चीज अनुराग जी मुझे लगती है कि जैसे शकुनी कोई वॉरियर नहीं था, किसी भी अस्त्र शस्त्र किसी भी विद्या में पारंगत नहीं था, फिर भी उसने युद्ध के मैदान में रहने का निर्णय किया। उसके पास एक ईजी ऑप्शन था वहां से, क्योंकि दुर्योधन के लिए भी सामरिक दृष्टि से शकुनी का कोई महत्व नहीं था, स्ट्रेटेजी मेकर तो था लेकिन युद्ध के मैदान में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी वो युद्ध के मैदान में रहे, उन्होंने युद्ध किया और अपनी वॉरियर न होते हुए अपनी जान दी, तो वो कावर्ड नहीं थे, एक पहली बात। दूसरी बात लगती है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस उन्होंने किया, मतलब कर्ण को जिस तरह से उन्होंने अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन के थ्रू पूरी प्लानिंग की, तो प्लानर वो बहुत अच्छे थे। तीसरी बात यह है कि श्री कृष्ण विधाता हैं, इस पूरे कथा के नायक हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, श्री कृष्ण का जो ऑरा है, जो तेज है, उससे वो परिचित थे। लेकिन ईश्वर से टकराने का साहस या कहें दुस्साहस, वो भी उन्होंने किया। हाँ, ये शब्द मुझे लगता है आशुतोष ने ठीक पकड़ा, साहस, क्योंकि साहसी लोगों का काम नहीं है ये, दुस्साहस के भी ऊपर जाके किए जाने वाले काम है जो उन्होंने किए हैं। क्योंकि कई सारे संवाद ऐसे मैंने पढ़े हैं कि चाहे वो अपनी बहन गांधारी से हो उनका संवाद, या अपने पिता से उनका संवाद हो, या कई बार अपने जीजा से उनका जो संवाद हो, या भांजे के प्रति अति मोह जो है, वो भावनाओं को छुपा नहीं पाते थे। जी निश्चित रूप से, ये सारी जो मानवीय कमजोरियाँ जो थी उनसे वो कहीं भी नहीं बच पाए, और इसीलिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव हुई जो उनके लिए कलंक बन गई, जिसके कारण आज भी उन्हें कोसा जाता है। तो वो अपनी जगह कोई गलत भी नहीं है, लेकिन वो सब स्थितियां क्यों बनी, आखिर क्यों वो उस पूरे दुष्चक्र में इन्वॉल्व हुए, और क्या उन्हें क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा, इसको भी समझने के लिए। इस कथा से एक चीज़ और मुझे लगता है कि आजकल हम वर्तमान राजनीति को देखें, महाभारत तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि हर काल में चलती रहती है, वर्तमान परिस्थिति में मुझे लगता है कई बार हम कहते हैं ना कि तो वो पैराशूट के जरिए नेता उतर आया है, तो आप देखें कि कंधार से हस्तिनापुर की राजनीति में आके सबसे अहम किरदार बन जाना, ये बहुत आम बात नहीं थी। निश्चित रूप से, लेकिन ये पैराशूट से उतरा हुआ नहीं था अनुराग जी, जितना मैं समझ पाया हूँ कि जिस परिस्थिति में आज भी अगर हम अपनी बहन के घर में रहते हैं तो आज भी ताने सुनने पड़ते हैं, अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उस काल में स्थिति कैसी रही होगी? गंधार जो कि हजारों किलोमीटर दूर है, वहाँ से आके हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का हिस्सा बनना, उसमें अपनी जगह बनाना और फिर वहाँ राजनीति करना, वहाँ राजनीति करना जहाँ पे विदुर ऑलरेडी महामंत्री हैं, वहाँ पे राजनीति करना, और स्थितियाँ जो है कुछ वर्षों में पितामह है, भीष्म पितामह है, और इन सब के होते हुए अपनी जगह बना लेना, और उसमें उस तरह का कंट्रोल ले लेना कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा। तो दुर्योधन जो है पूरी तरह से शकुनी के प्रभाव में था, और एक समय ये आ गया कि शकुनी की मर्जी के बिना वहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तो एक जो आउटसाइडर है वो कैसे आया और कैसे उसने ये सब चीज़ किया, वो इंटरेस्टिंग तो है, और वो बिना काबिलियत के किया नहीं जा सकता। मैंने जो इनके बारे में आशु के बारे में बताऊँ,
कई साल तक हम धूप में, धूल में, बारिश में सड़कों पर धक्के खाते थे, कभी विधानसभा, कभी संसद के गलियारे होते थे, रिपोर्टिंग किया करते थे। ये फितूर कहाँ से आया कि मुझे किताब लिखना है और पहली किताब शकुनी पर ही लिखना है? देखिए अनुराग जी, ये कोई ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। हमेशा जैसे आपसे भी बात करते थे, अपने सभी मित्रों से बात किया करते थे, महाभारत एक प्रिय विषय था, उस पर डिस्कस किया करते थे। तो जैसे आप जैसे मित्र हैं कि भाई क्या भीष्म पितामह ने काशीराज की तीनों कन्याओं का हरण किया उनकी मर्जी के बिना, क्या ये ठीक था? क्या ये स्त्री अस्मिता के खिलाफ नहीं है? क्या ये स्त्री का अपमान नहीं है? तो इस तरह के डिस्कशन हुआ करते थे। शकुनी ने भी कुछ इसी तरह की गलतियाँ की। तो वही बात, इन सब डिस्कशन का निचोड़ ये निकला जो मैंने भी आपसे कहा कि सारी महाभारत में शुरुआत से अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें होती ही रही हैं, और जिन जिन लोगों को नायक समझा जाता है उनके साथ भी हुई है। जैसे कि अगर हम द्रौपदी वस्त्र हरण की बात की जाती है, तो द्रौपदी वस्त्र हरण के लिए सबसे ज़्यादा दोषी जो माना जाता है, दुशासन को माना जाता है, दुर्योधन को माना जाता है, शकुनी को माना जाता है, लेकिन इसी इन्हीं के बराबर, बल्कि मेरी नज़र में तो इनसे भी ज़्यादा धर्मराज हैं। तो मैं समझ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरा मैंने कहा ना कि इसमें कोई शकुनी को क्लीन चिट देने की बात कतई नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आप निगेटिव किरदार को हीरो बना के, हीरो बनाने की बात नहीं है यहाँ पे, क्लीन चिट देने की बात नहीं है, लेकिन आपको दूसरे पक्षों को भी समझने की ज़रूरत है कि भाई जो दाव पे लगा रहा है वो भी तो गलत है। भीष्म पितामह अगर किसी का हरण कर रहे हैं तो वर्तमान में रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं, ऐसे ही जुआ खेलना और जुआ खिलवाना दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक चीज और पूछना चाह रहा था, तमाम सारे पत्रकार साथी इस समय किताबें लिख रहे हैं, एक शक्ल हो गया है जिस कुछ नहीं है तो किताब लिखेंगे, और ज़्यादा हुआ तो पत्रकारिता पे किताब लिखेंगे, और बहुत ज़्यादा हुआ तो कई लोग कहते हैं कि फेसबुक या स्टाइल में या व्हाट्सएप पे जैसे स्टेटमेंट डालते हैं, इस किस्म की भी किताबें आ रही हैं, उन किताबों से आपकी किताब बहुत इतर है, तो लगा नहीं कि वो उस तरह का लिखेंगे तो जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे? ये थोड़ा कठिन है, इसके पाठक भी कम होते हैं, और फिर पाठक के पास उतनी समझ भी होना चाहिए कि जिस अंदाज में आपने लिखा है उस अंदाज में समझ लिया जाए। चलिए, आपने मेरी किताब को इनसे अलग बोला तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा। और मैंने बताया ना कि ये कोई इस प्लानिंग से लिखा ही नहीं गया, जब मैं लिख रहा था तब तो कभी सोचा भी नहीं। और आपने मूल किताब इंग्लिश में लिखी? नहीं, मेरी मूल किताब हिंदी में थी। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये है कि जब मैं ये मूल किताब लिख रहा था, और मैं किसी पब्लिशर को भी उस तरह से जानता नहीं था, और जब अप्रोच किया तो उनने इसको, क्योंकि जगन्नाथ पब्लिकेशन जो है वो अंग्रेज़ी में डील करता है, और उस समय हिंदी में भी करता था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम केवल अंग्रेज़ी में करते हैं, लेकिन उनको कंटेंट इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि हम इसको ट्रांसलेट करके छापना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो ये नेकी और पूछ की बात थी। हाँ, हिंदी का राइटर है, उसकी पहली किताब अंग्रेज़ी में आई। हाँ, इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम आया वो इंग्लिश में आया। ये एक बहुत अजीब सी बात हुई, और संयोग से मेरे साथ हुई, और सुखद संयोग। बिका भी ठीक ठाक, अंग्रेज़ी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला मुझे, काफ़ी मतलब उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए, सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे उसके रिव्यूज़ भी मिले। लेकिन मैं आशुतोष, आप मेरे मित्र हैं इसलिए नहीं, एक लेखक के नाते भी मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि अब जब कट पेस्ट का ज़माना है, गूगल गुरु की यूनिवर्सिटी सामने है, कहीं से भी उठाया, पुराने अखबारों में से निकाला और चिपका दिया, और अपनी जो दैनिक, जिसको हम दैनिक डायरी कहते हैं, उसको किताब की शक्ल लोग दे देते हैं, वहाँ आपने अनुसंधान किए बिना अपने दिमाग में आए विचारों से एक मूल कथा को खड़ा किया, इसके लिए आपको बहुत बधाई। एक चीज़ और, जब सब महाभारत यहाँ चल रहा था, हस्तिनापुर चल रहा था, तब गंधार में क्या था? देखिए, गंधार का जो भी जिक्र हमें मिलता है, अगर हम, एक तो होती है राइटर की कल्पना शक्ति, जो भी बोलता है सुबल महाराज के पहले, यानी कि शकुनी के जो पिता थे सुबल महाराज के पहले, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वहाँ की मिलती नहीं है। लेकिन जो वर्णन जो मिलता है कि एक बहुत जो आज भी हम कहते हैं कि जो अफगानिस्तान में ये प्रदेश है, और कंधार को, कंधार का नाम परिवर्तित होकर कंधार हो गया, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों को इमेजिन किया जा सकता है कि वो एरिया बहुत डेवलप नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने महाभारत बेस्ड लिटरेचर में पढ़ा है कि हस्तिनापुर एक बहुत ही समृद्ध और ताकतवर साम्राज्य था, और उसके कंपैरिजन संपन्न और वैभवशाली था बहुत, और उसके कंपैरिजन में गांधार उतना ताकतवर नहीं था। तो उसी तरह से जो रिसोर्सेज की मामले है, समृद्ध सामर्थ्य की बात है, समृद्धि की बात है, वो उतना नहीं रहा होगा, इस चीज़ को हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि एक जो बहन के साथ हुआ वो एक लगाव था, भांजे को उसका हक दिलवाना था, ये एक बात थी, और कहीं एक ये जो कहते हैं कि चमक दमक थी जो हस्तिनापुर की, वो भी आकर्षित कर लाई हो? इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे जो मूल बात है कि
अगर हम कहीं भी आज भी हम कहते हैं जो हम दबंगों और सवर्णों का जो होता है, दबंगों और दलितों का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम क्या बोलते हैं, कहीं जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो अगर जैसा कि कई जगह जिक्र है, क्योंकि महाभारत के भी अलग अलग वर्जन है, अलग अलग राइटर्स ने उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन अगर किसी महिला का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ केवल मसल पावर के कारण कहीं पर किया जा रहा है, जो कि उस समय का ट्रेंड था, तो वो उसको गलत को गलत तो कहना पड़ेगा ना। यानी कि शकुनी को की गलती को तो हम गलत कहते हैं, लेकिन दूसरे की गलती को हम गलत नहीं कहते यहाँ पे। फिर क्योंकि इस किताब का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अलग अलग तरीके से मिला है। कुछ मेरे मित्र जो है वो इस बात पे बड़ी आपत्ति लेते हैं कि ये नेगेटिव किरदार के ऊपर तुमने क्यों लिखा है। तुम आदमी पॉजिटिव हो, हाँ, और काम गलत किया, नेगेटिव किरदार को, एक खलनायक को नायक बनाने की कोशिश आशुतोष नाटकर ने की, ये आरोप है। और तमाम सारी और बातें हैं शकुनी को देकर जो हम आशुतोष नाटकर से करेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। दस किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विभाग बात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे चर्चित पात्र शकुनी की। अगर शकुनी नहीं होते तो महाभारत की कल्पना परिकल्पना कुछ अधूरी सी होती, और जो महाभारत हुआ शायद ये होता भी नहीं। बहुत बड़े किरदार अगर महाभारत में हम देखते हैं तो दो लोग सभी को बहुत आकर्षित करते हैं, एक कृष्ण, एक भीष्म पितामह। कभी कहीं इस किताब में मैंने देखा कि एक जगह हमेशा चुनौती देते थे वो भांजे को आगे रख के, और उनके पासे, आपने पासों का महारथी कहा ही है, तो पासे चलने के बाद हमेशा चुनौती देते थे, कभी भी सिर्फ गेम खेलने के मूड में नजर नहीं आते थे शकुनी। लेकिन भीष्म के पास एक बार जाते वक्त उन्होंने कई सवाल भी किए, और बड़े वाजिब सवाल थे भीष्म से उनके, और एक भावुक शकुनी सामने आए। देखिए, ये पूरा इंसिडेंस इस तरह से है कि जो शकुनी की जो पूरी नाराजगी थी वो भीष्म पितामह से ही थी, क्योंकि गांधारी से विवाह का प्रस्ताव जो है वो वही लेके गए थे आए थे, और उस दौरान जो उनका विवाद हुआ था वो भी शकुनी से ही हुआ था, और उनको लगा कि उनके साथ जो इंजस्टिस हुआ है वो भीष्म के कारण ही हुआ है। तो वो पूरी पैलेस पॉलिटिक्स चाहते हैं, और महाभारत युद्ध के मुहाने पर सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। और उसका वर्णन इस तरह से है कि जब युद्ध शुरू होने के ठीक पहले जब भीष्म से मिलने के लिए शकुनी पहुंचते हैं, तो भीष्म व्यंगात्मक रूप से वो कहते हैं कि आप जो चाहते थे वो तो हो गया, महाविनाश। और शायद यही मौका था जब उन्होंने पहली बार भीष्म को ताक कहा। मैं आपको ऐसा जो है कुछ चंद पंक्तियाँ पढ़कर सुनाता हूँ। भीष्म ने कहा, आइए गांधार राज, आपकी कृपा से हजारों वीरों के प्राण लील लेने वाला महायुद्ध आरंभ होने ही वाला है। आप कब गांधार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? यानी कि आप तो वॉरियर हैं, उलाना था उसमें। भीष्म की वाणी में उनकी पीड़ा और व्यंग दोनों ही छुपे हुए थे। कोई और अवसर होता तो मैं भीष्म को उनकी ही शैली में उत्तर देता, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे इस 180 वर्ष के वृद्ध पर दया आ रही थी। मैंने संयमित वाणी में प्रश्न किया, महामहिम को कब से युद्ध में हताहत होने वालों की चिंता सताने लगी है? क्या इसलिए कि आज युद्ध के मैदान में मरने की बारी महामहिम के अपनों की आ गई है?
क्या इससे पहले जो सैन्य अभियान किए गए हैं उसमें किसी के प्राण नहीं गए हैं? कुरुक्षेत्र में होने वाला यह रण आपको अनावश्यक लग रहा है, तो क्या मात्र राजकुमारों के विवाह, क्योंकि विवाह के नाम पे भी युद्ध हुए हैं, भीष्म खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, सीमाओं के विस्तार और दिग्विजय यात्रा के नाम पर आपने जो रक्तपात किया वह उचित था? आपके लिए इस युद्ध का दोष मेरे सिर मढ़ना सरल है, लेकिन तनिक गहराई से विचार कीजिए कि क्या इस युद्ध के लिए आप दोषी नहीं है? आपने अपनी प्रतिज्ञा को जनकल्याण से भी अधिक महत्व दिया, और इसी प्रतिज्ञा के पालन के लिए आप निरीह राजकुमारियों को अपने भाई या भतीजों की शिया पर धकेलते रहे। इसी प्रतिज्ञा के चलते आपने द्रौपदी के अपमान के समय भी चुप्पी साध ली थी, क्या यह आपका अपराध नहीं है? यानी प्रतिज्ञा को जनकल, यहीं पे हम कृष्ण देखते हैं कि कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन जो है भीष्म का वध नहीं करते हैं उनके, तो वो कुपित होकर रथ का पहिया उठा लेते हैं। यानी उनको अपनी प्रतिज्ञा की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके लिए जनकल्याण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर चीज़ को कहने की कोशिश की है। और मेरी संबंध में अनुराग जी एक और चीज़ बताऊंगा, जब मैंने किताब लिखी अंग्रेजी, इसमें सबसे बड़ी खूबी मुझे लगी कि जो कुटिल जो पासों का जादूगर है, पासों से चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ लेता है, परिस्थितियों को कर लेता है, वो आदमी भी कहीं भावनाओं में बहकर ही हस्तिनापुर तक आया था। और यहाँ फिर उसका एक भावनात्मक जो स्वरूप है, भाई युद्ध है तो मृत्यु होगी, कौन मरेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो संवाद है उनका भीष्म से, ये बताता है कि बहुत भावुक भी था वो व्यक्ति, कहीं ना कहीं भावुक। तो अनुराग जी कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भावुक तो होता ही है आदमी, कोई भावना शून्य तो कोई, अगर मनुष्य है तो भावनाएं तो होंगी ही, ठीक है, किसी में भावनाओं का प्रवाह ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन भावना शून्य तो मनुष्य हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची, अपमान अंदर तक पहुंचा, उससे आहत हुए, तभी तो ये सारा चीज़ की ना। इसमें एक भीष्म के संग हो गया, कृष्ण को लेके हमेशा एक खौफ काम करता था। कृष्ण की चेतावनी हमने पढ़ी है रश्मि रथीन में, बहुत ही खूबसूरत दिनकर जी ने लिखा है, उस प्रसंग को भी जब करते हैं तो निश्चित रूप से शकुनी ने जब देखा जिस तरह से वो वीरों से भरी सभा को श्री कृष्ण चमत्कृत कर जाते हैं, तो वो दुर्योधन को कहते भी हैं, मतलब उनको उनको इस बात से कोई में कोई डाउट नहीं था कि श्री कृष्ण एक महानायक है, एक महापुरुष है, दैवीय शक्ति से संपन्न है, इस बात में कोई डाउट नहीं था। लेकिन फिर भी शकुनी शकुनी था, ग्वाला कहने से बाज नहीं आए। हाँ। वो तो उन्होंने कई बार उनको ग्वाला कहकर हाँ संबोधित करने की कोशिश की, और उनकी पीठ पीछे तो शायद हमेशा ही कहा। हाँ, तो देखिए हेटरेट अलग चीज़ है, लेकिन प्रतिद्वंदी जो है उसकी शक्ति तो माननी पड़ेगी। इसमें मैं बता रहा था कि गुफी पेंटन जी हैं, आपने अभी बीआर चोपड़ा की महाभारत का जिक्र किया है, डॉक्टर राय मसूला की बात की, जब ये मैंने लिखा तो मैंने एक इसकी सौजन्य प्रति जो है गुफी पेंटन जी को भेजी, मेरा उनसे कोई परिचित भी नहीं था, लेकिन वो इतने प्रसन्न हुए उन्होंने, क्योंकि आज भी हम जब इसकी बात करते हैं, शकुनी की बात करते हैं, सबसे पहला जो चेहरा जो हमारे सामने आता है वो गुफी पेंटन जी का ही आता है, क्योंकि हमने हम सब लोगों ने बचपन में ही वहाँ वर्तमान में उन्हीं को देखा है शकुनी। हाँ, कि शकुनी लंगड़ाता कैसे होंगे, शकुनी चलता कैसे होगा, वो बोलता कैसे होगा, तो इतनी खूबसूरती से जिया था उस किरदार को उन्होंने कि आज भी उन्हीं का चेहरा हमारे सामने आता है। तो जब वो किताब मैंने उनको भेजी तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि यार मैंने तो ये पूरा किया है, बहुत ही मतलब सहज व्यक्ति हैं गुफी जी, और उन्होंने कहा यार मैंने तो ये पूरा किरदार दिया है, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने लिखा है ये मैंने अभी तक नहीं सोचा था। और उन्होंने बहुत मेरे को, मैं आपको शेयर भी करूँगा, एक बहुत ही शानदार सा वीडियो मैसेज बना के भेजा मेरे को, तो इस तरह के लोगों से अप्रिसिएशन मिलना काफ़ी अच्छा लगता है। हाय फ्रेंड्स, हाय, दिस इज गुफी पेंटल, मामा शकुनी फॉर यू। सो भांजो, आई मस्ट टेल यू, मेरे दोस्त आशुतोष नाटकर जी ने एक नॉवल लिखा है कॉल्ड शकुनी मास्टर ऑफ गेम। मेरा ख्याल है बहुत ही मजा आया मुझे ये देख के, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव रेड एंड गॉन थ्रू महाभारत, और बड़ा अच्छा लगता है कोई भी आप किसी कैरेक्टर को उठा लो उसमें एक अच्छाई की बात है, यू कम टू नो समथिंग न्यू ऑफ ईच करेक्टर, करेक्टराइजेशन, और ये तो खैर हमारे साथ सिनोनिमस हो गया अब, आई एम अ पार्ट, वेरी मच पार्ट ऑफ महाभारत एज यू नो। तो आशुतोष ने ये जो नॉवल लिखा है इतना खूबसूरत लिखा है, ही इज गॉन डीप इन टू द साइके ऑफ दिस कैरेक्टर कॉल्ड शकुनी।
इज गॉन, उसकी उसकी वेदना, उसके दिल में क्या गुजरती है, वाई ही इज सो रिवेंजफुल, उसको क्या क्या दुनिया की तकलीफें सहनी पड़ी और क्या क्या करना पड़ा जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज हस्तिनापुर यू नो एनिमीज लाइक भीष्म पितामह एंड एवरीबॉडी. सो आई हैव बिकम ग्रेट फैन ऑफ आशुतोष फॉर हिज राइटिंग एंड आई विश हिम ग्रेट लक. आइंदा भगवान करे आप और ज्यादा बढ़ो और अच्छी तरह से नॉवेल्स लिखो और हम जैसे ऑडियंस को आप हमेशा फर्स्ट क्लास राइटिंग देते रहिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड भांजो डोंट फॉरगेट रीड दिस नॉवल कॉल्ड शकुनी मास्टर ऑफ गेम. और गोभी पेंटर जी, मेरी जानकारी में महाभारत जब शूट हो रहा था तो उसके कास्टिंग भी सारी की सारी गोभी पेंटर जी ने की थी कि कौन बंदा किस किरदार में नजर आएगा. ये उस पूरी टीम को लीड करते थे गोभी पेंटर साहब. और अपने लिए उन्होंने शकुनी का किरदार नहीं रखा था पहले, ये उनके पास बाद में उनकी झोली में आ गया. झोली में आ गया था. और जैसे पुनीत स्तर जो है वो भीम बनने वाले थे पहले, लेकिन फिर अंततोगत्वा उनको दुर्योधन हमने बनना है कि इच्छा रही थी क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा जो भी उनका. आपने किताब लिखी शकुनी, आई बाजार में, इंग्लिश में आई, उसके बाद फिर इच्छा रह गई थी कि अब हिंदी में भी आना चाहिए. जी निश्चित रूप से, जो मूल लैंग्वेज हमने जिसमें लिखी है उसमें आने की इच्छा तो थी ही. ठीक है, अंग्रेजी में आती है तो एक अलग दर्शक पाठक वर्ग होता है जिस तक हम पहुंच पाते हैं, लेकिन जो मूल लैंग्वेज जिसमें हमने लिखी है उसमें आने की इच्छा तो थी. और मेरी कृष्णश्री की वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया. और दोनों हिंदी इंग्लिश में क्या क्या डिफरेंस लगा आपको? पाठक वर्ग अब दोनों आपके सामने है, है ना, तो पाठक की आलोचना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश हिंदी वालों में कुछ अंतर आता है कि वहाँ ज़्यादा एलीट क्लास है, वहाँ पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, इधर कम है, या ऐसा कुछ? एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं इंग्लिश पढ़ने वाले, मुझे ऐसा लगता है. मतलब जो भी उनकी चीज़ें हैं वो चाहे वो आप गुड रीड्स पे जाके अगर रिव्यू देखेंगे तो अंग्रेजी के बहुत सारे रिव्यू मिलते हैं. पाठक जो है पढ़ता है और उसके बाद में अपना ओपिनियन, भले ही वो ठीक है कोई बहुत पसंद करे, कोई कम पसंद करे, कोई पसंद ना करे, लेकिन वो अपने ओपिनियन देता है. आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे जो रिव्यूज अंग्रेजी वाले हैं वो बहुत रिव्यू देते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट शायद ज़्यादा रहता है उनका, ऐसा मतलब ये मेरा, चूँकि इस किताब को और हिंदी में उतने रिव्यूज नहीं देते हैं, ये मेरा कम से कम दोनों किताबों, क्योंकि कंटेंट तो दोनों का सेम ही है. और रही बात ट्रांसलेशन, मुझे मतलब मैं जगन्नाथ बुक्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन किया. मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि इससे तो किताब की मूल बात ही जाती रही. एक दो रीडिंग मैंने भी की, उसमें जो अपने सजेशन थे वो दिए कि इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करें. तो थोड़ा सा भाषानुवाद और भावनात्मक अनुवाद जो होता है, भावानुवाद, दोनों में अंतर होता है. तो भावानुवाद अगर ठीक हो जाए तो किताब बहुत अच्छी. आप गुरु दक्षिणा को आप फ्री ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल. इस तरह की कभी कभी होती है कुछ चीज़ें, लेकिन ठीक है, उसको दो बार तीन बार जब आप पढ़ते हो और अपने सजेशन देते हो तो काफ़ी बेहतर बन पड़ा है मुझे लगता है. शकुनी के बाद क्या महाभारत के पात्रों की अब भी खोज जारी है कुछ लिखने के लिए? देखिए, खोज तो लगातार जारी रहती है, लिखने की स्थिति आती है, नहीं आती, आती है तो कब तक आती है ये नहीं कह सकता, लेकिन ये महाभारत एक इतना अनूठा हम इसको क्या कहें, एक कहानी है जिसको जितना पढ़ते जाओ, जिस पार. मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बात कर रहा हूँ लगातार आशुतोष से, अब मुझे इनमें शकुनी दिख रहे हैं. ये गोभी पेंटर साहब की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस पात्र को कभी पर्दे पर या नाट्य मंचन में आप करें तो आप भी बखूबी कर सकते हैं. कभी मैंने कभी ऐसा हाथ अजमाया नहीं, आपकी सलाह रही, आप जैसे मित्रों की सलाह पे किताब लिख दी, कभी मौका मिला तो कुछ और भी कर देंगे. मुझे लगता है आशुतोष के आपको एकल प्रस्तुति शकुनी के किरदार की अब करना चाहिए, क्योंकि आपने इसको जिया है, आपने इसको समझा है, और कुछ शरारतें शकुनी जैसी आपकी आंखों में नजर आती हैं, कुछ स्टाइल जब हम किसी पात्र को लिखते हैं जीते हैं तो वैसा हो जाता है. तो कभी सोचा नहीं कि अब कृष्ण या भीष्म पे भी कलम चलाई जाए? देखिए, असल में कृष्ण और भीष्म पे इतने ग्रेट लोग इतना सारा लिख चुके हैं कि अब उस पर लिखने के लिए मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ शेष है. अभी मनु शर्मा की हम चर्चा कर रहे थे, वो क्या लिख के गए हैं, उनके बराबरी में क्या मैं क्या लिख सकता हूँ. युगांधर लिखी है शिवाजी सावंत ने, उस कृष्ण पे तो इतना लिखा है, मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी बात हो जाएगी. बहुत लोगों ने बहुत ही, और फिर भी बहुत कम है. कृष्ण क्या है, भगवान राम अगर हम देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम जानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है.
उन्होंने लीलाओं के जरिए जो मैसेज कन्वे किए हैं, अपनी बातें पहुंचाई हैं समाज तक, सृष्टि तक, सर्वहारा वर्ग के ईश्वर हैं, देवता रहे हैं वो तो आम आदमी, और मुझे लगता है कि एक बड़े पात्र हैं और उनके संवाद भी बहुत जोरदार हैं शकुनी के साथ। उन्होंने कई बार इशारे इशारों में और बोल के जो शकुनी को समझाइश दी है। एक अनुराग जी, एक जगह मैंने शकुनी के माध्यम से एक सवाल खड़ा किया है कि जब एक महाभारत में प्रसंग, हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने पहुँचते हैं और दुर्योधन जो है सेना मांग लेते हैं, अर्जुन जो है भगवान निश्चित रूप में भगवान श्री कृष्ण को मांग लेते हैं और श्री कृष्ण जितवा देते हैं पांडवों को अपनी योजना से। अगर मान लीजिए उल्टा होता, दुर्योधन अगर भगवान श्री कृष्ण को मांग लेते और अर्जुन सेना मांग लेते, ऐसा हो जाता तो इस महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होता? क्या श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जहाँ रहेंगे वहाँ जीत होगी, हमें ये लगता है। तो इसका शकुनी के माध्यम से ये एक मतलब कल्पना ये है कि शायद, चूँकि ये धर्म और अधर्म का युद्ध कहा जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण पराजय के पक्ष में आने के लिए भी संकोच न करते, क्योंकि वहाँ पे जो 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 सारा उस संग्राम जिस चीज़ के लिए रचा गया था उसमें वो परिणाम पांडवों के पक्ष में होना ज़रूरी था। तो ऐसे में अगर श्री कृष्ण कहीं, मतलब केवल कल्पना की बात है, अगर सामने वाले पक्ष में होते तो क्या वो पराजय के पक्ष में आने में भी संकोच नहीं करते? ऐसा एक सवाल उठाया। क्या आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि कृष्ण इतनी लीला रखते थे, मुझे वो लीला पुरुषोत्तम लगते हैं। और पूरे देश में मैं जब देखता हूँ कि जितने धूमधाम से लोग अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाते, उतना भगवान श्री कृष्ण का मनाते हैं। किसी के लिए कालूड़ा है, किसी के लिए कान्हा है, किसी के लिए लड्डू गोपाल हैं, तो हर घर में कृष्ण हैं। और मुझे लगता है कि वो इतने मोहक थे, इतने भव्य मोहक उनकी मुस्कान थी कि वो किसी भी पाले में रहते, वे पांडवों के साथ रहते, वे कौरवों के साथ रहते, वे जहाँ रहते विजय वहीं होती। और उन्होंने कृष्ण, कई बार जब हम पढ़ते हैं कृष्ण को, तो आप देखिए वे रणछोड़ दास भी हैं, वो रण भी छोड़ देते हैं, तो वो हार भी सकते थे, वो यही हाँ वो हार भी सकते थे। कृष्ण का किरदार ये कहता है कि विजय उनके साथ है, लेकिन उस हार में भी अगर वो हारते तो उसमें भी उनकी जीत होती। तो मुझे लगता है ऐसा होता। अगर शकुनी का सवाल मुझसे है तो मैं कहता कि वो जिस पाले में रहते वो जीतते, हारते हार के भी जीतते। आप सुन रहे थे आशुतोष नाटकर को, एक बहुत सामान्य चर्चा हम एक किरदार हैं महाभारत के शकुनी, उनको लेकर कर रहे थे। शकुनी पे किताब लिखी है, आपको भी अवसर मिले जरूर पढ़िए और एक नए नज़रिए से शकुनी को समझने की कोशिश कीजिए। आपके हमारे पास बहुत सारे मामा हैं और ऐसे ही एक ऐतिहासिक मामा है शकुनी। आशुतोष, आपने बहुत वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब आपके मुताबिक बात होगी। देखते रहिए दखल न्यूज। नमस्कार। दस किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।